अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस हमारी मॉर्निंग हो गई और आज है 27 तारीख। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि हम लोग यहाँ से औरंगाबाद जाने वाले हैं, तो वो दिन आ गया है। तो हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, 11:30 बजे तक औरंगाबाद के लिए निकल जाएंगे। और ये देखिए हमारे अहा और फातिमा, बेटा क्या कर रहे, तुम मुँह धो रहे थे, दांत घस रहे? अरे वाह, देखो सामने नानी खड़े हैं, दांत घस रहे हैं, तो वैसे ही एक्शन में खड़े देखे, यहाँ पे यही दांत घस रहे हैं। अरे वाह मेरी, क्या बात है, माशाल्लाह। कुछ लिए कि नहीं, सिर्फ ऐसे उंगली मार रहे सेम टू सेम, आओ कॉफी एकदम दे, आज भी वैसे पकड़ी और वो भी वैसे। अरे बाप रे, क्या हुआ रहा, क्या हुआ तुमको, हाँ क्या हुआ तुमको, चलो अंदर चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप, उम्मीद आपको कैसे मिलता है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं आप लोगों का, वेलकम है साले से चेक ब्लॉग में। तो हम लोग औरंगाबाद जा रहे हैं। तो जो भी हम लोग को पैकिंग वगैरह करने के दिन, हम लोग ने कल रात में ही कर दिए थे, अभी कुछ भी पैकिंग नहीं करनी है, बस निकल जाएंगे। तो देखो पूरा बैग भर गया। फातिमा ये किससे वीडियो बना रहा हूँ मैं, कैमरे से, कैमरे का नाम क्या है? अरे माशाल्लाह। तो गाइस हम लोग बैठे हैं अभी नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ते में है टोस्ट और चाय। तो गाइस हम लोग का नाश्ता हो गया था और हम लोग आए हैं अपने शेरा भाई के पास। और क्या बोलते हैं शेरा भाई, सब मजे में ना? तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पीने आए हैं, माशाल्लाह पियोला की सबसे फेमस कॉफ़ी, बहुत याद कर रहा था मैं ये कॉफ़ी पीने के लिए। हाँ एक नंबर, और वो फुल मलाई, एक मलाई डालते हैं ना गाइस, तो कॉफ़ी में ना चार चांद लग जाए। तो जाते जाते हम लोग सोचे कि एक एक चाय की चुस्की कॉफ़ी की चुस्की ले लेते, तो आसिफ भाई मैं आए हैं यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए। और तो फाइनली गाइस हम लोग सब लोग तैयार हो गए हैं, बुर्का वगैरह सब पहन लिए हमारे घर के खवातीन ने, और बच गए हैं परफेक्ट 11:30। तो चलिए निकलते हैं और सर्कल पे चलते हैं, शेयरिंग रिक्शा पकड़, शेयरिंग टैक्सी वगैरह जो भी है पकड़ने के लिए। हाँ ले लो आंटी को, ले लो भैया, आंटी ले लो, बुर्का पहन रहे हैं, दिख गए बाजू में से है क्या? नहीं, निकलते हैं। और बैग देखो मेरा, माँ मेरी एकदम फुल भरपूर। चलो चलते हैं गाइस, निकलते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। अरहान को, अरहान को यहीं रहने देते, कहाँ अरहान? अरे माँ मेरी, अरहान कहाँ गया? अरहान कहाँ गया? देखो अरहान वहाँ पर है, चलो सबसे मुलाकात करने का है। चलो आंटी ले लो ना, क्या बोलते, चलो हो गई सबसे मुलाकात, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलते हैं, मेरे जेब में डाल रहे थे घर पे, मेरे को पैसा दे देना, पैसा इनको वापस मिलता नहीं है। चलो चलो, तो हमारी सवारी निकल चुकी है और चलो कर लिए सबसे मुलाकात, सबसे मुलाकात अच्छा लगा माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है भाई, सबसे मुलाकात हो गई और अभी चलते हैं यहाँ से औरंगाबाद से, अभी शबनम के घर पे जा रहे हैं हम लोग, सालेहा वहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं माशाल्लाह। चलो इससे पहले नहीं गए, मैं बोला था लेकिन कैसा जाना नहीं हो, लेकिन इस बार जाना हो रहा है माशाल्लाह। अरहान, अरहान को हमारे आसिफ भाई लेके चल रहे हैं। चलो भाई जाते जाते हमारे शाहरुख भाई से फाइनली मुलाकात हो गई, कैसे हो मेरे भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, मिलके बहुत अच्छा लगा, बस एंड टाइम पे मिले तुम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार आना होगा तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात करेंगे, ठीक है। जाओ साइड बैठ जा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यहाँ तक छोड़ने आए, ठीक है, वहाँ पर आ गए मुलाकात करें। हाँ तो मालूम है, लेट आया ना अब्बू के पास आने का, उसको खाना खेलता बच्चों को लेके, नहीं नहीं बैठो बैठो, नहीं आने का उधर ही बैठो, अम्मी के पास बैठ रहा मेरे बच्चों। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नगरसूल, ज़्यादा नहीं बस 10-15 मिनट लगा है मेरे ख्याल से। तो चलिए अभी चलते हैं टिकट काउंटर के पास, टिकट लेते हैं। आओ फातिमा, मैं उसको ले लूँ, किसको लूँ? इसको ले लो तुम, आरान को ले लो। तो सालेहा ने ले लिए हैं फातिमा को, चलो चलो चलो। तो अभी अपने को यहाँ पर ना पटरी क्रॉस करने की है,
आओ आराम आराम से बेटा, एकदम रिलैक्स है। ट्रेन 12:50 की है, टेंशन नहीं, आराम आराम से जाएंगे। आओ यहीं से उतरो, आ जाओ। तो फाइनली पहुंच गए गाइस नगरसूल, और मेरे ख्याल से ये ट्रेन है क्या। तो पहुंच गए हम लोग ट्रेन के पास में, और वो सामने देखो टिकट काउंटर है। मैं जाके टिकट निकालता हूँ, सौलिया को इसमें बिठा देता हूँ। चलो अंदर आराम से चलो। एक नंबर, नहीं नहीं इधर चलो, इधर पे हाई साइड चलो, यहाँ पे बैठ जाओ, मैं टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है, दो औरंगाबाद ले लिया हूँ, और अभी चलते हैं अपने डब्बे में जाकर बैठते हैं। जनरल डब्बा है माशाल्लाह, एकदम खाली खाली है, टेंशन ही नहीं है। देखो सालेहा यहाँ बैठे होंगे, कहाँ है सालेहा, नहीं ये वाले में नहीं, आगे वाले में बैठाया मैंने। चल हाँ देखो इधर ही बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं सालेहा, चलते हैं। अभी ये जो ट्रेन है ना 12:50 पे चालू होएगी। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है, समझ लो पूरा 20 मिनट बाकी है। तो ये वाली दुकान से पानी की बॉटल ले लिया मैंने। फातिमा ना देखो, पानी दो पानी दो, फातिमा पानी चाहिए, चलो उसको पानी दे दो ना। बात की अम्मी से, चलो अच्छी बात है। शबनम को भी हमने फ़ोन लगा दिए हैं, और अम्मी को भी फ़ोन लगा के बोल दिए हैं कि भाई हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। चलो ना अम्मी के यहाँ से जा रहे थे ना गाइस, तो रोना स्टार्ट कर दिया था भाई सब लोग। एकदम इमोशनल सीन चल रहा था, लेकिन वो कैसे कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग, और क्या बोलते चलो बहुत याद आ रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद, औरंगाबाद से डायरेक्ट मुंबई। हाँ माशाल्लाह, औरंगाबाद से मैंने मुंबई की टिकट निकाली है, तो वहीं से भाई हम लोग सारी को सुबह में इंशाल्लाह चले जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है अपराध, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत बहुत समझ में, जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। बहुत फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सारे, और ये देखिए आराम बाबू को यहाँ पर हम लोग ने नल्ली दे दिए हैं, नल्ली खा रहा है यहाँ पर बैठ के। और फातिमा तो बस हमारी अच्छे खाएंगी, अच्छे अच्छे खाएंगी, बोलो नानी मिस यू, बोलो हाँ बोलो मिस यू खाला, क्या कर रहे अजी, क्या कर रहे हाँ बोलो, सबको मिस यू, बहुत याद आएगी ना। हाँ माशाल्लाह, हम लोग जैसे गाड़ी में बैठे ना तो बोलती आंटी ले लो, आंटी ले लो, बहुत आंटी की दीवानी थी। फिर बाद में बोलते योला जाएंगे, योला जाएंगे, तो अभी हम लोग बैठे हैं गैस ट्रेन में, और इंशाल्लाह चालू हो जाएगी थोड़ी देर में। गैस तो चालू हो गई हमारी गाड़ी। पूरे एक घंटे में हम लोग औरंगाबाद पहुँचने पहुँच गए हैं, समझ लो बस हमारी ट्रेन रुक रही है। ले लिया ना, हम लोग उतरते हैं। हाँ चलो इस बाजू से चलते। तो अंकल ने पहले अंदर से रख दिया भाई, पहले उतरने दो, उतरने दो, रुको भाई पहले उतरने दो, खाली है, खाली है भाई, रुको उतरने दो पहले, लेडीज है लेडीज है, रुक जाओ उतरने दो, चलो। अरे भाई रुको ना जरा, अरे उतरने दो, उतरने दो, आओ आओ चलो आराम से उतरो, उतरो उतरो आराम से, बस आ जाओ। चलो गाइस, तो हम लोग फाइनली औरंगाबाद स्टेशन पे उतर गए हैं, और यहाँ पर पब्लिक उतरने वाले उतरने नहीं होती है, पहले जाके चढ़ने की कोशिश करती है, तो इसी वजह से थोड़ा चिल्लम चिल्ली यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, और देखिए औरंगाबाद की ट्रेन का हाल कुछ ऐसा है। चलो चलो अभी चल रही है आपने वहाँ, हाँ एक्सीलेंट, मुंबई नहीं शबनम के घर पे है। हाँ यहाँ से अभी मुंबई भी आने का ना अपने को, अपन अभी 2 नंबर पे हैं मेरे ख्याल से, अपने को अभी रेगुलेटर चढ़ के, सॉरी रेगुलेटर बोल रहा है, एक्सेलेटर चढ़ के जाने का एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। आराम में देखो कैसा लियो, और फातिमा देखो, हाँ एक्सेलेटर है, मतलब एक्सेलेटर है ऑटोमेटिक। अरे वहाँ सीढ़ी थोड़ी ना रहती है, चलो डर गए एकदम खतरनाक। अभी चलो तुम्हारे को ना बताता हूँ मैं, एक्सेलेटर नहीं सीढ़ी नहीं है, एक्सेलेटर है, चढ़ जाएंगे यार, मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो टेंशन नहीं लेने का ना गाइस, सही बोला ना, क्या बोल रहे हैं। अरे मैं हूँ बताता हूँ मैं तुमको,
कैसा पैर रखने का, कैसा क्या करने का, उधर से नहीं है ना हम लोग, देखो कितना आगे बैठ गए। ये देखो भाई, सालों के दिल की तमन्ना पूरी हो गई, यहाँ पर सीढ़ी है। अरे सीढ़ी चढ़ने बहुत भारी पड़ता है यार। नहीं नहीं, चढ़ जाएंगे तुम? चलो ठीक है, चलो चलो भाई सीढ़ी चढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे को तो एक्सेलेटर से जाने का था, लेकिन अभी हमारी बेगम साहिबा की वजह से यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ता है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो सीढ़ी मेरे से फास्ट चढ़ रहे हैं यार। हाँ। क्या बात है, मतलब सीढ़ी चढ़ने में सालिहा फास्ट है। सालिहा, फातिमा को ऐसा उतार दिए हैं और मैंने अरहान को नीचे बिठाया हूँ, साफ है एकदम, मस्त, टेंशन नहीं है, इसलिए मैं बिठा दिया हूँ। वेलकम टू औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। थैंक यू सो मच भाई हमारा वेलकम करने के लिए। अरे वाह माशाल्लाह फातिमा, क्या बात है, मेरी फातिमा चलने लगी। चलो 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 आ जाओ, चलो बोलते ना। तो गाइस सालिहा को ना औरंगाबाद का कुछ मालूम मिलूम है नहीं, तो देखिए हम लोग ना जस्ट टिकट काउंटर के यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग ना एक्सेलेटर देख लिए सामने। इधर आओ, चलो नहीं, अरे चलो अभी नहीं जाने का है, अभी चढ़ के उस बाजू जाने का है। अभी कहाँ से मालूम है? अरे माँ मेरी, सालिहा ना गाइस पहली बार औरंगाबाद नहीं आए हैं, इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन शबनम के घर पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ऐसा मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोला कि पहली बार औरंगाबाद जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहाँ चलो? औरंगाबाद आई हूं पर घूमने के लिए आई थी। अच्छा घूमने के लिए आए थे, कहाँ आए थे घूमने के लिए तुम? चलो भाई हम लोग पहुँच गए हैं औरंगाबाद, सालिहा से घर पे जाके बात करेंगे। तो चलिए भाई हम लोग यहाँ एंट्री मारते साथ हमारे अंकल मिल गए हैं, रिक्शे वाले। हाँ रिक्शे वाले अंकल मिल गए हैं, मुंबई से। हाँ मुंबई से आया, औरंगाबाद में मेरी बहन रहती है ना, उसे घर पर जा रहा हूँ। मुंबई में मलाड में रहता हूँ। मलाड मालूम? हाँ मालूम नहीं, 8 नंबर। चलो भाई अंकल की रिक्शा देखते हैं अभी कहाँ है, बैठते और चलते। आओ जल्दी जल्दी आ जाओ, कहाँ है तुम्हारी रिक्शा? सामने। आ जाओ सामने ही है क्या? क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। तो अलहम्दुलिल्लाह हम लोग सही सलामत बैठ गए हैं रिक्शा में, और हमारी रिक्शा भी चल पड़ी है। फातिमा बैठ गए ना अच्छे से? चलो भाई सालिहा और हमें चलते हैं। पंचकी गार्डन, बीबी का मकबरा। सही बात है, बम्बई में तो थकना बना है, काम करते रहो बस। हाँ चलो अब बताओ तुम औरंगाबाद में कहाँ कहाँ गए? मैं बीबी का मकबरा गई, ऐसा तो सब जगह गई थी, पर याद नहीं आ रहा। बहुत पहले गए थे, बहुत पहले गए थे, जब मेरा कुछ मेल भी नहीं था, शादी वगैरह नहीं हुई थी, उससे पहले गए थे। हाँ यहाँ ना मैं सब जगह घूमी, आनंदपुर, ताराबाद। क्या बात कर रही हूँ, सालिहा तो मेरे से ज़्यादा घूमे हैं। आनंदगांव घूमी, मतलब तुम मेरे को लपेट रहे तुम। अरे घूमने फिरने में सही बात है भाई, सालिहा तो बहुत खतरनाक निकले यार घूमने फिरने में माशाल्लाह। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं 2:30 बजे शबनम के घर के नीचे, और सालिहा देखो पीछे पीछे आ रहे हैं। चलिए चलते, हम लोग ने अभी किसी को फ़ोन करके नहीं बोले, बोले डायरेक्ट एक साथ घर पे बैठेंगे, तभी सबको फ़ोन वगैरह लगा के बोल देंगे। चलिए हमारी मैडम पहले आप छोड़िए। तो हम लोग ने बच्चे एक्सचेंज कर लिए हैं, सालिहा अभी फातिमा को लेकर आराम आराम से चढ़ रहे हैं, और अरहान बाबू हमारे रिक्शे में सो गए थे, उसको बहुत नींद आ रही है। तो हम लोग पहुँच गए हैं शबनम के घर पे, शबनम क्या कर रही है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यस माशाल्लाह। और शबनम कैसी है मेरी बहन? देख तेरा भाई आ गया, वादे के मुताबिक। अरे बाप तेरा, अपने बीवी बच्चों को लेकर आया मैं। ले 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 ले, उसको नींद आ रही बच्चे को मेरे। तो चलिए भाई एंट्री मारते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वाह मेरी, यहाँ पर बुआ और उसका प्यार देखो, क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। आप नहीं रोएगी? मैं मेरी बेटी के हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। शबनम मेहंदी लगाएंगे, देखो मेहंदी लगाऊंगी। क्या बात है भाई, और क्या बोल रहे चलो, शबनम से गले मिले नहीं तुमने इतने दिन के बाद आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए भाई गले मिले जा रहा है। अरे वो मेकअप हाँ हाँ देख ना आंखों में माशाल्लाह, एकदम वाइशर्ट वाइशर्ट। बोले आपके भाई को एकदम दीवाना कर दूंगी मैं।
गाइस मैं तो बताना भूल गया कि मिसबा ने मेहंदी लगाई सालिया को, बता जरा उसको देखो महात, ए महात महात, ए महात इधर तो देख, अरे माँ मेरी, अरे माँ मेरी, ये क्या है उल्टा सीधा हो रहा है तू। महात बाबू देखो तुम्हारे लिए इतना दूर से आया ना मैं। महात क्या हो गया इसको, मोबाइल मामा आया, आ जाओ जल्दी मामा से, चलो पकड़ो एक मिनट कैमरा। अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, नया नया देख देख तुम बच्चे, मेरे को नहीं मोबाइल के लिए रो रहा है, मेरी जान, मेरा कलेजा। वाह वाह, अरे महात और अरहान भाई दोनों जन की जोड़ी ना एकदम रावत जमने वाली है, देखते रहो। अरे अरे माशाल्लाह, बाबू बाबू मोबाइल मोबाइल फोन 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 बाबू देखो गाइस मेरे दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये हमारा घर का नवाब है, देखो अब इसको पानी पिलाया तो नहीं नहीं बेटा भाई बहन वगैरह भी हम लोगों को खा के हो गया, तो ठीक है अभी चलिए देखते हैं यहाँ के बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ने ना अपना हाथ से ना फ़ोन ले लिया, अरे माँ मेरी मेरा फ़ोन देखो कैसे ले गए, देखो फ़ोन सिर्फ हाथ में इसके दिखना चाहिए, लेके चालू कर देता है, देखो नहीं चल रहा है बेटा, नहीं चल रहा फ़ोन, नहीं चल रहा है, अरे नहीं बोल रहा। कैसे हो, और फातिमा को देखो मेरी फातिमा यहाँ पर मस्त ऐसे टन टन बजाओ बेटा, टन टन बजाओ देखिए। और गाइस शबनम ने अपने रूम में क्या प्यारा कलर किया है, देखो यहाँ पर गैलरी में माशाल्लाह लवेंडर कलर है और यहाँ पर पीला कलर है, लेकिन भाई कारीगर नहीं है ना इसी वजह से कटिंग विटिंग मारे नहीं है अच्छे से एकदम, देखो। अरे वाह मेरी, यहाँ तो फुल बासमती टुकड़ा मार दिया, अरे वाह कितनी मिली डिजाइन है, ये तो पूरा एकदम वो वाली डिजाइन है, वार लगा दिया पूरी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो एक एकदम बेहतरीन कारीगर है हमारे मुसद्दिक भाई, क्या ही बोलूं, अवार्ड देने का मुझे दिल कर रहा है, ये देखो। अरे वाह मेरी, पूरे पत्रे में मार दिए कलर, यार इतना हिस्सा क्यों छोड़ दिया हमारे मुसद्दिक भाई, ये बेचारे ने क्या कहता है, इसको भी जरा लवेंडर कलर कर डालते, बैंगनी बैंगनी, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, एक नंबर। क्या कर रहे बिट्टू, कहाँ करने यहाँ पर, देखो मम्मा का जो सामान रखा है मेकअप करने का, वो सामान यहाँ पे ले लेके फेंक रहे सब। योला से आते आते ना हम लोग ने मिठाई ले लिए थे, तो वही दे रहे थे शबनम को, दे दो। अभी ना हो गए हल्की सी शाम, मतलब शाम होने वाली है, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि शाम के टाइम ना हम लोगों को ना चाय की चुस्की लगती है, तो मैं जा रहा हूँ दुकान पर दूध लाने के लिए, और यहाँ पर फातिमा, फातिमा का नेक्स्ट लेवल का चलता है भाई, कहीं पे भी जाएगी कोना पकड़ के, अगर कोई उसको कुछ बोलेगा नहीं ना तो चुपचाप बैठे बैठे मट्टी खाते रहती है। और हमारे महात बाबू, महात बाबू ए चॉकलेट खाएंगे ना, बिस्किट खाएंगे, बिस्किट लेकर आऊँ, केक लेकर आऊँ, केक। तो मैं आ गया हूँ बाहर गाइस, तो यहाँ के रूम देखते साथ ना मेरे को एकदम दीवाना हो जाता हूँ, एक ना योला के रूम और औरंगाबाद के रूम जिस हिसाब से बनते हैं ना बहुत पसंद आते हैं मुझे, एकदम मस्त है, पूरी गलियाँ ही गलियाँ हैं यहाँ। तो इतनी चीज़ ले लिया मैंने, तो माशाल्लाह देखिए दुकान से मैंने इतने सारे सामान ले लिया और एंड में बच्चे लोग के लिए दो तीन चॉकलेट भी दिए हैं एक्स्ट्रा। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ अपना जो भी चाय बनाने का सामान वगैरह है, ये सब चॉकलेट लोगे बच्चे लोग के लिए, दे दो सबको, लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर ना गाइस हमारे सालिहा मैडम जी चाय बनाने वाले हैं, क्योंकि शबनम मेहंदी लगाए ना इसी वजह से, देखो गाइस मैं बनाने जा रही थी तो वो बोले कि नहीं बाजी तुम बैठो, हां तुम बैठो आराम करो, अभी जब सोलह है ना टेंशन नहीं है किसी बात का, नहीं अरे नहीं रे बोले कि नहीं बाजी तुम्हारी मेहंदी बहुत गिरली है, हां मैं बोले नहीं मैं उसमें भी बना लूंगी, तो बोले नहीं नहीं मैं बनाती नहीं। ये देखो भाई आते साथ हमारी बहन ने हमारे साथ क्या करी, देखो पता नहीं कैसे मेहंदी लगा डाली मेरे को, मेहंदी लगाई फिर कैसे लगाई, महात को तूने ली थी ना तो मैं तेरे से लिया था शायद, तो इसी वजह से लग गया हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस देखिए हमारे सालिया मैडम जी जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो दोस्तों हमारी चाय बन गई है और हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए गाइस। तो देखिए अरहान बाबू क्या कर ले तुम, क्या कर ले तुम, हाँ तुम्हारे लिए निकाल। तो गाइस हम लोग का नाश्ता वगैरह सब करके हो गया, तो आप लोगों को दिखाता हूँ ये मेरे छुन्नू मुन्नू में क्या कर रहे हैं, देखो
वाह मेरी क्या कर रहे बेटा तुम लोग दोनों जन यहाँ पे हाँ नज़ारे देख रहे हैं यहाँ से अच्छे लग रहे हैं यहाँ के नज़ारे तुम लोग दोनों को कपड़े देखो दोनों जन सेम सेम पहने पीछे का एकदम माशाल्लाह माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर दोपहर के टाइम ना बहुत गर्मी थी लेकिन अभी माशाल्लाह एकदम ठंडा मौसम हो गया एकदम मस्त और यहाँ पर देखो क्या पीना है बेटा क्या करनी क्या करनी नानी ने पीना है अच्छा खाला ने पीना है अरे वाह माशाल्लाह और इसका देखो ओ भाई क्या कर रहे तुम यहाँ पर हाँ क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे चलो चलो अंदर चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर अच्छा ठीक है खेला लेकिन गिरना नहीं है बेटा गिरना तो गाइस फाइनली वो सदीक भाई की एंट्री हो गई है लेकिन पाइप पकड़ते हुए एंट्री हुई वो सदीक भाई मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी माशाल्लाह काम पे सेट का टेंशन यहाँ पे औरत का टेंशन भाई औरत का क्या नाम है औरत का क्या नाम है आ जाओ भाई आराम से अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आओ भाई आराम से आओ सब अल्हम्दुलिल्लाह भाई तो यहाँ पर मेरे को खड़ा कर दिए है भाई को देखने के लिए हाँ हाँ हो गया बोले भाई आवाज देते रहना सिर्फ भाई को क्या ज्यादा कम ना भर ले इसीलिए खड़ा हो गया इतना बड़ा पाइप यार हो जाएगा एकदम खतरनाक अगर भाई इसका प्रेशर पकड़े नहीं एकदम सिलो एकदम सिलो अरे बाप रे अरे देखो भाई कितना फास्ट पानी आ रहा है मैं देखो भाई बहुत मेहनत से पानी भर रहे हैं यहाँ पर मुशफिक भाई हमारे और सबनम ने पाइप पकड़ी हुई है अनर्थ हो गया ये देखो अरे वाह मेरी हमेशा ऐसे होता है हाँ। नहीं नहीं हम लोग एकदम टाइमिंग पे बोल देते हैं अच्छा चालू रखता है दुर्घटना घटी वाला सीन है ऊपर का प्रेशर भाई तुम पकड़ भी नहीं पाएंगे मालूम क्या बात है सीधा खींच लेता है एकदम पीछे खींच लेता है तो अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो नीचे का हो गया पूरा अपना ऊपर देखो ऐसा मैं पाइप पकड़ता हूं ऐसा सीधा खींच लेता नीचे पूरी नदियां बह गई यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऊपर लेके गया था तो चले भाई पानी नहीं मस्त माशाल्लाह एकदम रावत भर के हो गया आप टेंशन नहीं है तो गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं आप लोगों को ऐसा लगा जरूर कमेंट करके बताना ठीक है तो चलिए आज की वीडियो देरी एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ गाइस जितने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता है आपका भाई तो आपके भाई को क्या बोलते हैं अपना सपोर्ट करो आगे बढ़ाओ और अच्छे अच्छे हाँ बोलो मेरे आदमी को सपोर्ट करो लाइक करो सब्सक्राइब करो सब करो माशाल्लाह अच्छे करो बुरे माशाल्लाह बुरे कमेंट मत करो सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट करो ठीक है अगर कुछ बुराई दिखती भी तो इग्नोर करने की कोशिश किया करो अगर ऐसा देखा जाए ना तो गाइस हर एक इंसान में कोई ना कोई बुराई दिखती है